दिला दूं तेनू मैं मेरे जिगर दा बुर्ज खलीफा जी। दोस्तों ऐसे कह रहे हैं अक्षय कुमार कियारा अडवाणी से, और मैं क्या ही कहूँ, ये सॉन्ग इतना सिजलिंग लग रहा है। हमारी जो क्यूट कियारा अडवाणी है वो फाइनली अपने सिजलिंग अवतार में दिख रही है। जैसे वो लास्ट टाइम हमें गिल्टी में दिखी थी वैसे ही कुछ उनका अवतार है, पर इस बार एकदम सिजलिंग हॉट कियारा अडवाणी हमें दिख रही है ऐसे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आउटफिट्स में, मैं क्या ही बताऊँ। और उसी के साथ साथ ये जो टीज़र आउट हुआ है हमारे सॉन्ग बुर्ज खलीफा का, जो है लक्ष्मी बॉम्ब से, जी दोस्तों अब इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अक्षय कुमार है वो इतने डैशिंग लग रहे हैं, उनकी जो एक बियर्ड वाली लुक है वो दिख रही है, उसके बाद उन्होंने एक अरेबिक एनसेंबल पहना हुआ है वो दिख रहा है। लेकिन ये जो टीज़र है उसमें से तो ये दिख रहा है कि दीज पीपल हैव जस्ट केप्ट अस एक्साइटेड, और हम लोग अभी ब्रिम पे आकर के हमारी एक्साइटमेंट बस एक्सप्लोड होने के लिए ही रुक रही है, दैट्स इट। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, दिस टीज़र, ये टीज़र देखते ही आई के नॉट वेट फॉर द सॉन्ग टू बी आउट। सॉन्ग कल बाहर आने वाला है, पर ये लोग यार हमें ऐसे तरसा क्यों रहे हैं थोड़े थोड़े क्लिप्स बताकर लक्ष्मी बॉम्ब के, अब मैं क्या ही कहूँ। बट आई लव द सॉन्ग, आई एम ऑलरेडी इन लव विद द टीज़र, बट अभी सॉन्ग तो बाहर आएगा तो आई एम ऑलरेडी सेइंग कि आई एम इन लव विद द सॉन्ग एज वेल, बिकॉज मुझे डेफिनेटली पता है कि हमारी कियारा अडवाणी और अक्षय कुमार हमें डिसअपॉइंट ज़रूर नहीं करेंगे। तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर, क्या लगता है आपको इस टीज़र को देखने के बाद, कितने ही सिजलिंग लग रहे हैं और कितनी अच्छी लग रही है केमिस्ट्री कियारा अडवाणी और अक्षय कुमार के बीच, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। हमारे ट्विटराटीज ने कर दिया है अक्षय कुमार को ट्रोल, आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ट्विटर पर जो भी फैंस हैं उन्होंने अक्षय कुमार की जो फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब उस पर उठाई है आपत्ति। जी दोस्तों उनको आपत्ति इस बात से है कि अक्षय कुमार की जो फिल्म है वो लव जिहाद को प्रमोट करती है, और वो आगे चलकर ये भी कहते हैं कि आखिर लक्ष्मी ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, लक्ष्मी ये जो वर्ड है वो गलत तरीके से यूज़ किया गया है, ये बहुत सारे फैंस का कहना है। और बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे जो लोग हैं जो ट्विटर पर अपने ओपिनियंस रखते हैं, जिनको हम प्यार से ट्विटर आर्टिस्ट भी कहते हैं, इन्होंने रख दी है ये बात आगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये जो फिल्म है इसमें अक्षय कुमार को आसिफ ये कैरेक्टर दे दिया गया है, यानी कि वो मुसलमान दिखाए गए हैं, और वहीं पर हमारी जो कियारा अडवाणी है उनको दिखाया गया है प्रिया यानी वो हिंदू लड़की है। जी दोस्तों तो ये जो इक्वेशन है मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की का, इसलिए सब कह रहे हैं कि लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से, और ये भी कह रहे हैं कई कई लोग कि आखिर लक्ष्मी ये जो वर्ड है वो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। लक्ष्मी ये एक गॉडेस का नाम है, हिंदू गॉडेस का नाम है, और आपने आखिर लक्ष्मी ये वर्ड क्यों चुना है, ये सभी का अभी बयान है। तो अब मुझे ये बताइए क्या लक्ष्मी बॉम्ब ये नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब भी पब्लिक ओपिनियन या फिर पब्लिक ने जब भी रिएक्ट किया है किसी टाइटल पर, तो कभी ना कभी तो हमने ये देखा है कि बहुत बार टाइटल चेंज हो जाता है स्पेसिफिक फिल्म का, और बहुत सी चीज़ें अंडर स्कैनर आने के बाद हमारी जो ऑडियंसेस है उनका एक ओपिनियन ले करके फिल्म मेकर्स उनको ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए ये डिसाइड कर लेते हैं कि नाम चेंज किया जाए। तो क्या इस बार अक्षय कुमार की जो फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब इसका टाइटल हो जाएगा चेंज, और क्या आपको भी ये लगता है कि लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार, क्या कुछ है आपकी राय इस पर, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। Sanitize this. Now I have a pocket sanitizer. This is my favorite pocket sanitizer. You just carry it in your pocket. It's so tiny, so slim, and it helps so much to sanitize everything around the studio. Recording a new song. Sanitize this. Now I have a pocket sanitizer.
This is my favorite pocket sanitizer. You just carry it in your pocket. It's so tiny, so slim, and it helps so much. You sanitize everything around the studio. Recording a new song. कंगना रनावत ने फिर एक बार कर दिया है बॉलीवुड का अपमान। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो कंगना रनावत है वो अक्सर अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर कंगना ने ऐसा क्या ही कहा कि हो गया बॉलीवुड का अपमान। कंगना ने हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यूज किया है #IndiaRejectBollywood। जी दोस्तों, वो कहती है कि एक होते हैं आर्टिस्ट और एक होता है बॉलीवुड, एक होती है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और एक होता है बॉलीवुड, जो असल में शब्द कॉपी किया गया है हॉलीवुड से। वो कहती है, बॉलीवुड वालों, अब तो हॉलीवुड से चीज़ें कॉपी करना बंद करो, कॉपी करना कतई बंद कर दीजिए। ऐसा कहना है हमारी कंगना रनावत का। जी दोस्तों, तो क्या आप कंगना रनावत से सहमति रखते हैं? ये जो कंगना रनावत का बयान है कि रिजेक्ट बॉलीवुड, इंडिया रिजेक्ट बॉलीवुड, क्योंकि उनका ये मानना है कि बॉलीवुड ये जो शब्द है वो चुराया हुआ है और अब हमें इस शब्द को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या आप कंगना से रखते हैं सहमति, और क्या कुछ है आपकी राय इस पर, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला और हीना खान दिखे रोमांटिक अंदाज में। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बिग बॉस हाउस का माहौल हो गया था रोमांटिक, क्योंकि हमारे दोनों गीतकार जान कुमार सानू और राहुल वैद्य ने बना दिया ये मूड एकदम रोमांटिक और एंटरटेनिंग। जी दोस्तों, उन्होंने गाना ही गाने शुरू कर दिए। दोनों भी गिटार के साथ बैठे थे और गाने गा रहे थे और सारे सदस्य ले रहे थे बड़े मज़े। इसी वक्त हमें ये दिखा कि इस दौरान हमारे जो दोनों तूफ़ानी सीनियर्स हैं, हीना खान और सिद्धार्थ शुक्ला, भी मज़े ले रहे थे एक रोमांटिक अंदाज में। जी दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो नील डाउन हो गए, यानी वो अपने घुटनों पर बैठ गए और हीना खान उनके सामने एकदम उनके तरफ देखते हुए कर रही थी डांस। जी दोस्तों, ये गाना था कि आ दे दे तू मेरा साथ, ये जो गाना है, और ये इस गाने पर हमारे जो दोनों तूफ़ानी सीनियर है वो थरकते हुए हमें नज़र आए। तो क्या कुछ है आपका कहना, क्या इन दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगी? क्या हमें रोमांटिक अंदाज में ये दोनों और फिर वापस देखते हुए नज़र आएंगे या नहीं? और क्या आपको इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है? क्या कुछ है आपकी राय इस पर, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। जान कुमार सानू और राहुल वैद्य के बीच हो गया म्यूजिकल वॉर। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो जान कुमार सानू है और राहुल वैद्य है, इन दोनों ने अपने जो गाने के अंदाज है वो दिखाए और उनका ये जो टैलेंट है उसको दर्शाया बिग बॉस सीजन 14 में और कर दिया सभी को एंटरटेन। जी दोस्तों, इन दोनों ने 90s के पुराने गानों से शुरुआत करते हुए हाल फिलहाल के गाने भी गाए, जैसे राहुल वैद्य ने गाया गाना दिल दिया गल्ला। जी दोस्तों, ये सारे गाने इन दोनों ने गाए। अब मैं आपको बता दूँ हाईलाइट क्या है। हमारे तूफ़ानी सीनियर्स तो इम्प्रेस हो ही गए, क्योंकि दिख रहा है वीडियो में, जैसे प्रोमो आउट हुआ है उसमें ये तो दिख रहा है कि हमारी जो गौहर खान है वो चीयर कर रही है जान कुमार सानू को, तो हीना खान ब्लो कर रही है किसेस राहुल वैद्य को। जी दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे जो जान कुमार सानू हैं, उनकी जो चहेती है निकी तंबोली, उन्होंने आ करके जान कुमार सानू को दे दिया है एक चुम्मा उनके गाने के अंदाज सुन के। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों की जो ये भाईजान से क्या निकी तंबोली फाइनली जान कुमार सानू को मेरी जान कहेंगी? क्या कुछ है आपकी राय, क्या लगता है आपको, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ।